नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त फरा खान। वैसे तो बॉलीवुड और राजनीति का हमेशा से गहरा नाता रहा है। बॉलीवुड के कई सितारों का नाम देश के जाने पहचाने नेताओं के साथ आते रहते हैं, लेकिन आज मैं बॉलीवुड और राजनीति के उस रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ जिसने बॉलीवुड के साथ देश की राजनीति में भी हलचल मचा दी थी। आज मैं आपको बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु और उत्तर प्रदेश की राजनीति के जाने माने चेहरे अमर सिंह के रिश्ते की वो सच्चाई आपको दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। एक्ट्रेस बिपाशा बसु और राज्यसभा सांसद अमर सिंह के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था तो फिल्मी दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियार में हड़कंप मच गया था। ऑडियो टेप जब वायरल हुआ तो बिपाशा बसु ने अपनी आवाज़ होने से इनकार किया था। इस मामले में सफाई देते हुए अमर सिंह ने कबूल किया था कि ये आवाज़ उनकी ही है। बिपाशा बसु और अमर सिंह की बातचीत से मचा था अच्छा खासा बवाल। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मीडिया ने 2006 में अमर सिंह और बिपाशा बसु के बीच हुई बातचीत का ऑडियो टेप जारी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अमर सिंह द्वारा दायर की गई गैंग ऑर्डर की याचिका के बाद एक प्रमुख मीडिया कंपनी ने टेप जारी कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों के बीच हुई बातचीत का फोन टेप किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने साल 2001 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उनकी डेब्यू फिल्म अजनबी थी। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला लेकिन बिपाशा का फिल्मी करियर परवान चढ़ चुका था। डीनो मोरिया के साथ राज फिल्म से उन्होंने सफलता का स्वाद चखा। इसके बाद बंगाली बाला ने कई सुपरहिट फिल्में दी लेकिन साल 2006 में कथित तौर पर उनका एक ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बिपाशा के करियर को तगड़ा झटका लगा। बिपाशा बसु वायरल ऑडियो टेप में जिस शख्स से बात कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उस समय उत्तर प्रदेश के राजनीति में सबसे ताकतवर इंसान माने जाने वाले अमर सिंह थे। अमर सिंह और बिपाशा बसु के ऑडियो टेप के सामने आते ही बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। हर और ऑडियो टेप के सही होने और गलत होने की खबरें सुर्खियों में थी। कथित ऑडियो टेप में बिपाशा बसु और अमर सिंह के बीच हुई हॉट टॉक से सब हैरान थे। बिपाशा बसु ने ऑडियो टेप में अपनी आवाज़ होने से इनकार किया था। इस मामले में सफाई देते हुए अमर सिंह ने कबूल किया था कि वह आवाज़ उन्हीं की है लेकिन वो बिपाशा बसु से नहीं बल्कि अपने एक पुरुष मित्र से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो शख्स कौन था जिससे मैं बात कर रहा था। वो भी एक सेलिब्रिटी है। मैं स्वीकार करता हूँ ऑडियो मेरी है, आवाज़ मेरी है। बात करें बिपाशा बसु के प्रोफेशनल फ्रंट की तो बिपाशा साल 2015 में अलोन फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से नज़दीकियाँ बढ़ी और साल 2016 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद से बिपाशा ने फिल्मी दुनिया से लगभग दूरी बनाई हुई है। बिपाशा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। उनके पति करण सिंह ग्रोवर इस समय छोटे पर्दे पर भी छाए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि कैसे बिपाशा बसु और अमर सिंह की बातचीत का वायरल हुआ था ये ऑडियो और कैसे मचा था बवाल। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए और बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।